भाई इस वक्त कनाडा में बहुत सारे दोस्त इनडायरेक्ट रूट्स के थ्रू कनाडा में आ रहे हैं, पर सबसे आते ही सबसे बड़ी बात ये होती है कि यार एक नई भसड़ शुरू हो जाती है, वो होती है पार्ट टाइम जॉब्स की। सो कनाडा में कौन सी पार्ट टाइम जॉब्स इस वक्त अवेलेबल हैं? हाल ही में हमने एक पोलिंग की थी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, ऑलमोस्ट 2900 पीपल हैव एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात पे था कि यार बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स बता दो भैया। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कनाडा में आपके लिए बेस्ट पार्ट टाइम जॉब्स कौन सी हैं, तो उसके लिए देखिए हमारे साथ आज की ये वीडियो। चेक चेक, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भैया पैसों की, यानी डॉलर्स कैसे कमाए जा सकते हैं पार्ट टाइम जॉब्स के लिए थ्रू, स्पेशली जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि 20 घंटे का वर्क परमिट होता है हमारे पास। तो अब ये बात होती है कि यार जॉब कहाँ पर ढूंढी जाए। तो मैं ये बता दूँ यार, पिछले 8-10 सालों में इतना चेंज आ गया, इतनी नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं कि यू वोंट इमेजिन। तो आज बात करते हैं उन सारी जॉब्स की। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं ना, आई एम श्योर आपको ये अच्छी ज़रूर लगेगी। तो अगर पहली बार देख रहे हैं ना, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में हिट कीजिए बेल बटन। उसका फ़ायदा यह है कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे। इन्फॉर्मेशन इज़ एवरीथिंग इन टुडेज़ एज। तो चलिए बात करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स बेस्ट कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेस्टोरेंट की जॉब्स की। जी हाँ, आपको हंसी ज़रूर आएगी कि शायद इंडिया में आपने यू नो एज अ सर्वर ना काम किया हो, किसी रेस्टोरेंट या ढाबे पे ना काम किया हो, पर यहाँ पे यार स्टूडेंट्स के लिए सबसे लुक्रेटिव और आते ही मिलने वाली जॉब है रेस्टोरेंट की जॉब। अच्छी बात ये होती है कि यार इट्स अ वेरी सेफ जॉब, क्योंकि कहने का मतलब है जब आप नए होते कंट्री में, आप इन्वायरमेंट के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते, तो ज़्यादातर अपनी ही कम्युनिटी के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पर जॉब्स मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और स्पेशली समर में इस वक्त यू नो जो रिक्रूटमेंट है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर खाना चाहते हैं, तो रेस्टोरेंट्स की इस वक्त चांदी हो रखी है। और स्पेशली अब यूएस के पैसेंजर्स, यूएस के जो ट्रैवलर्स हैं वो कनाडा में आ रहे हैं, सो यू नो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री काफी बूम कर रही है। तो आपको के पास इस वक्त जॉब्स मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए काफी सेफ जॉब है। बट एक ही बात होती है रेस्टोरेंट में जॉब करने की यार, कि आपकी जो पे स्केल है वो काफ़ी नॉमिनल यानी बेसिक पे होता है। पर अच्छी बात ये है कि अच्छे रेस्टोरेंट्स पे आपको टिप भी साथ में मिलती है, तो उसकी वजह से आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी आ जाती है। पर देसियों के यहाँ ना आपको टिप नहीं मिलने वाली, मैं बता रहा हूँ, पहले एक्सपेक्टेशन नहीं लेके जाना। जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वो तो अपने सर्वर्स को टिप देते हैं, पर जो कुछ ऐसे महान रेस्टोरेंट्स होते हैं, काम तो दे देंगे, काम ज़्यादा करवाएंगे, पर टिप देना दे ये नहीं कहा जा सकता। पर अच्छी जॉब ज़रूर मिल जाएगी, एटलीस्ट काम चलाने के लिए शुरू शुरू में यू विल हैव अ गुड जॉब अगर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जाते हैं। यार दूसरी जॉब आपके पास अच्छा ऑप्शन है, वो है डिलीवरी की जॉब। अब डिलीवरी की बात करें तो स्पेसिफिकली मैं फूड डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। तो हाल ही में कुछ ही सालों में ये फूड डिलीवरी की जो इंडस्ट्री है ना, ये बूम कर गई है। ऑल ऑफ अ सडन ऊबर के आने के बाद अब डोर डैश और उसके बाद स्किप द डिशेज, ये सारी कंपनीज ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी जॉब्स क्रिएट कर दी हैं। इंडिपेंडेंट ड्राइवर के तौर पर आप इनके साथ काम कर सकते हो। आपको पता है कि अगर आपके पास गाड़ी ना भी हो तब भी आप डिलीवरी की जॉब्स कर सकते हो, क्योंकि आप पैदल चल के डाउनटाउन में डिलीवरी कर सकते हो, या फिर इसी तरह यू नो बाइक्स पे, यू नो बाइसाइकिल जो मर्जी आप कह लीजिए उसके ऊपर भी आप डिलीवरी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास साइकिल भी नहीं है, तब भी आप बिक्सी ले लो $19 पर मंथ के हिसाब से, तो उसके ऊपर आप डिलीवरी कर सकते हो और तब भी आप अच्छा अर्न कर सकते हो। अब थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि अगर आप इंडिपेंडेंट की जगह अगर किसी रेस्टोरेंट के साथ वही डिलीवरी करते हो, तो इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के पास अपनी गाड़ियाँ होती हैं। ना भी हो, अगर आपकी गाड़ी भी है, तब भी आप $18 पर आवर के हिसाब से काम कर सकते हो अगर आप रेस्टोरेंट के साथ एज अ डिलीवरी यू नो बॉय जॉब करते हो। बट कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे भी होंगे कि अगर उनके पास यू नो डिलीवरी की जॉब राइट वे नहीं है, तो हो सकता है वो आपको कुछ और काम ऑफर कर दे, बट यू हैव टू बी वर्किंग टू मेक श्योर कि यार आपकी पे अच्छी बनती रहे। तो ये हो गई फूड डिलीवरी की जॉब्स, इनमें भी अच्छी अर्निंग है। पर अगर आप फूड से आपका फेवरेट काम नहीं है, आप डोर टू डोर डिलीवर नहीं करना चाहते हो फूड, तो और डिलीवरी जॉब्स हैं, उनके बारे में ज़रूर जानिए। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए बात करते हैं हम अगले ऑप्शन की, जो कि है
अमेज़ॉन के साथ डिलीवरी करनी। यानी अमेज़ॉन जैसी सर्विसेज जो हैं दे आर गिविंग लॉट ऑफ ऑप्शंस, क्योंकि अमेज़ॉन के वेयरहाउस मॉन्ट्रियल में भी है, टोरंटो में भी है, वैंकूवर में भी है, ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में अमेज़ॉन के वेयरहाउसेज हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए होते हैं, वो आगे इंडिपेंडेंटली लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स दे देते हैं ताकि डिलीवरी जॉब्स करने के लिए। अगर तो आपके पास बड़ी वाली वैन है ना, एसयूवी वैन, तो आपकी अच्छी इनकम बनती रहेगी क्योंकि आप ज़्यादा पैकेजेस उठा सकते हो। तो अगर ब्रैम्पटन में डिलीवरी करते हो तो $3 पर डिलीवरी पर पैकेज के हिसाब से आपको मिलते हैं। मॉन्ट्रियल में अगर आप कर रहे हो किसी के साथ, यू नो, जॉइंट मिलके काम कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से आपको पर आवर के हिसाब से भी रख लेते हैं, एंड इट्स अगेन $18 पर आवर के हिसाब से आपको मिल जाता है काम। डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे हो, पर काम ज़रूर है। तो सबसे पहले ये कीजिए कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाइए और अपनी कार ले लीजिए, चाहे आप यूज्ड कार ले लो। कैसे आप यूज्ड कार्स ले सकते हो उसके ऊपर हम आने वाले टाइम पे और वीडियो बना देंगे। हमेशा कोशिश करो एसयूवी वैन ले लो, थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकता है आपको पड़ जाए, पर अच्छी बात यह है कि डिलीवरीज वगैरह के लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो ये एक अच्छा काम है। हाल ही में हमने एक पोस्ट भी शेयर की थी कि ब्रैम्पटन में डिलीवरी के लिए रिक्वायरमेंट थी लड़कों की, या फिर जो भी लोग डिलीवरी करना चाहते हैं, सेम वे इट गोज़ फॉर मॉन्ट्रियल एज वेल। आने वाली और जॉब्स की पोस्टिंग हम आपको इसके YouTube चैनल पे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब बात करते हैं जो अगली कैटेगरी हमारे पास जॉब्स की है, वो है वेयरहाउस की जॉब्स। भैया वेयरहाउस की जॉब्स तो शुरू से ही कनाडा में काफ़ी हुई हैं। कनाडा को US का इन अ वे वेयरहाउस भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि US की जो मेजर प्रोडक्शन की कंपनीज हैं उनके बैकएंड का बहुत सारा काम मॉन्ट्रियल, टोरंटो, वैंकूवर, इन सारे सिटीज़ में होता है। तो वेयरहाउस की भी अच्छी जॉब्स आपके पास अवेलेबल होती हैं। फूड प्रोडक्शन की इंडस्ट्री में स्पेशली हाल ही में एक इमिग्रेशन का भी अपडेट आया था क्यूबेक में कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके लिए पीआर का एक स्पेशल स्ट्रीम है। बट पीआर की बात अलग रही, लेट्स टॉक अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज। स्कॉडियो डाकीज, उसके साथ साथ मीट फैक्ट्रीज, कैनेडा वाइड कंपनी, इतनी सारी कंपनीज है जहां पे फूड प्रोसेसिंग होती है और वहां पे आपके पास जॉब के अच्छे ऑप्शंस है। अर्निंग के भी ऑप्शंस अच्छे हैं, ओवर टाइम भी बहुत मिल सकता है अगर आप सही टाइम पे सही कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपना जुगाड़ लगा लेते हो। ज़्यादातर जो प्लेसमेंट कंपनीज हैं या एजेंसीज हैं उनके पास ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि वो आपको इन जॉब्स पे रेफ़र कर सकते हैं और आपका अच्छा काम चलता रहेगा। आई होप ये सारी जॉब्स जो हैं आपको बेटर ज़रूर बना देंगी। ये नहीं होता कि आपने सारी उम्र इन्हीं जॉब्स पे काम करना है, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। एक बार आपको समझ में आ गया कल्चर, आपको आपके कॉन्टैक्ट्स बन गए, अपना नेटवर्क बन गया, देन इट्स ऑलवेज ईजी टू कीप गोइंग टूवर्ड्स योर ओन गोल्स। आई होप जो आपका गोल था इस वीडियो को लेके, जो आपकी क्वेरीज थी वो हमने आंसर कर दी हैं, एंड आई होप ये सारी जो जॉब्स हैं वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। इसके अलावा आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं, प्लीज़ मेक श्योर यू शेयर विद अस। और अगर आप एंटरटेनमेंट कंटेंट वॉच करना चाहते हैं तो हमारा एंटरटेनमेंट जो यूट्यूब चैनल है दैट इज़ इंस्पिरेशन रैकेट्स, प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच आर एंटरटेनमेंट कंटेंट, रैप एंड पोइट्री वीडियोज़ ऑन दैट। और उसके साथ साथ अगर आप यही वीडियोज़ इंग्लिश में देखना चाहते हैं, इफ़ यू डोंट फॉलो हिंदी करेक्टली, प्लीज़ विजिट आर इंग्लिश चैनल, दैट्स द कैनेडा वाइब। ऑन दैट नोट, दिस इज़ मी जॉनी हंस साइनिंग ऑफ फॉर द डे। यू हैव अ गुड डे। चेक चेक।